Welcome to Everstudy Classes. Today in our 5-minute series for Net Commerce and Management, we are going to study a very important topic, that is Eclectic Theory of FDI. I hope aap sabki preparation bahut achhi chal rahi hogi, and to boost your prep, you can check out our other courses as well at www.everstudy.co.in. So chaliye start karte hain aaj ki class. So when a company thinks about expanding its business, the first question it considers is whether we should enter foreign market or not. How are we going to enter foreign market? And would it be beneficial for us to enter foreign market? So to answer all these questions, John Dunning in the year 1979 came up with this theory. इस थ्योरी में जॉन डनिंग ने एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाया based on the acronym OLLI model, and the OLLI model stands for ownership, location and internalization. That means based on these three factors, John Dunning propounded this theory. And this theory is also based on an assumption that if the institution will avoid transactions in open market, if the cost of competing the same actions internally or in-house carries a lower cost. तो चलिए इन थ्री फैक्टर्स को अब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू डनिंग, एफडीआई विल ओनली अकर इफ अ कंपनी हैज ऑल दीज थ्री एडवांटेजेस, दैट इज ओनरशिप एडवांटेज, लोकेशन एडवांटेज एंड इंटरनलाइजेशन एडवांटेज. तो जब एक कंपनी फॉरेन लैंड में अपना बिजनेस सेटअप करती है, इट हैज सर्टन डिसएडवांटेजेस लाइक नॉट नोइंग द लोकल लैंग्वेज ऑफ द होस्ट कंट्री एंड नॉट नोइंग द लोकल कस्टमर्स डिमांड. So to overcome all these disadvantages, company के पास अपनी कुछ unique competitive advantage होनी चाहिए. अब ये advantages कैसी हो सकती है? जैसे company must have a unique reputation, या फिर company के पास कोई अपनी inbuilt unique technology है जो host rivals के पास नहीं है. Then only it would be able to compete with the rivals. तो next है location advantage. अब कंपनी फॉरेन लैंड्स पे अपना बिजनेस तभी कंडक्ट करेगी जब होस्ट कंट्री कंपनी को कुछ ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगी. अब ये एडवांटेजेस कैसे हो सकते हैं? लाइक होस्ट कंट्री में आपको रॉ मटेरियल बहुत चीपली अवेलेबल हो, या फिर लो वेजेस वर्कर अवेलेबल हो, स्किल्ड लेबर फोर्सेस हो, या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे हो, गवर्नमेंट उन्हें कुछ रिबेट प्रोवाइड कराती हो, देन ओनली द कंपनी वुड मूव टू फॉरेन लैंड्स. अब ये हमने चेक कर लिया कि कंपनी के पास यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है टू कम्पीट विद अदर फर्म्स, लोकेशन भी बेनिफिशियल है, कॉस्ट इफेक्टिव है. देन द लास्ट स्टेप इज इंटरनलाइजेशन एडवांटेज, टू चेक वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन हाउस और टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पार्टी. And the firm would decide this by evaluating which option would be more cost effective. तो अब ये देखने के लिए हम last step check करते हैं कि company एक business को खुद control करे या फिर foreign land में किसी third party को अपना business sell कर दे. ये हम देखेंगे internalization advantage में. तो चलिए eclectic paradigm को revise कर लेते हैं. सबसे पहले एडवांटेज हुई ओनरशिप एडवांटेज. अगर कंपनी के पास स्टार्टिंग में ही ओनरशिप एडवांटेज कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो कंपनी डोमेस्टिकली अपने प्रोडक्शन को कैरी आउट करेगी और एफडीआई में मूव नहीं करेगी. इन केस ओनरशिप एडवांटेज अवेलेबल है, देन द कंपनी वुड चेक कि क्या लोकेशनल एडवांटेज है कंपनी के पास. अगर कंपनी के पास कोई भी लोकेशनल एडवांटेजेस, ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? अपनी होम कंट्री में रह के ही प्रोड्यूस करेगी और अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी. अगर कंपनी को लगता है कि होस्ट कंट्री में कुछ लोकेशनल एडवांटेजेस हैं, देन कम्स द लास्ट स्टेप, दैट इज इंटरनलाइजेशन एडवांटेज. अब कंपनी ये चेक करेगी कि क्या मुझे खुद प्रोडक्शन कैरी आउट करना चाहिए होस्ट कंट्री में जाके, या होस्ट कंट्री में किसी को लाइसेंस दे देना चाहिए. अब ये स्टेप चेक करने के लिए वो चेक करेगी कि कौन सा प्रोसेस ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. अगर
कंपनी की खुद की प्रोडक्शन कैरी आउट करना कॉस्ट इफेक्टिव है देन द कंपनी वुड गो फॉर FDI. सो दैट सम्स अप द इक्लेक्टिक पैराडाइम फ्रेंड्स. अब यहाँ आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक आवर एफर्ट्स डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 7980733322 एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड आवर फ्री लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. थैंक यू.